खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की सेहत को लेकर परेशान फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। गुड न्यूज ये है कि उनकी सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट की माने तो लंदन में इरफान से मिलकर लौटे उनके करीबी दोस्त ने जानकारी दी कि इरफान की सेहत में सुधार आ रहा है। भले ही इरफान धीमी गति से रिकवर कर रहे हों, लेकिन इस साल के अंत तक वो भारत वापसी कर सकते हैं। इरफान हाल ही में इस बात से दुनिया को अवगत करा चुके हैं कि उनके न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर जैसी बीमारी है और वो उसे जूझ रहे हैं। ये एक तरह का ट्यूमर है जो शुरुआत में किसी तरह का लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन धीरे धीरे ट्यूमर ग्रंथियां बढ़ने लगती हैं। इसके साथ इस बीमारी में शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इरफान इस समय इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि इस बीमारी को दवाओं की सहायता के जरिए ठीक किया जा सकता है और इरफान के इस साल के अंत तक भारत लौट आने के चांस बन रहे हैं। आखिरी फिल्म ब्लैकमेल में नजर आए इरफान खान की बीमारी की खबर ने अचानक सभी को चौंका दिया था। वो खुद ही अपनी इस बीमारी से हैरान थे। हाल ही में अपनी मनस्थिति को उन्होंने अपनी एक चिट्ठी के जरिए सबके सामने पेश किया था। उस चिट्ठी में इरफान ने कहा था कि मैं एक तेज रफ्तार ट्रेन से सफर कर रहा था, जहां मेरे सपने थे, प्लान थे, महत्वाकांक्षाएं थी, उद्देश्य था और इन सब में मैं पूरी तरह बिजी था। अचानक किसी ने मेरा कंधा थपथपाया, मैंने मुड़कर देखा, यह टीसी था, आपकी मंजिल आने वाली है, कृपया उतर जाइए। मैं हैरान रह गया और सोच रहा था, नहीं नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आई है। उसने कहा, नहीं, यही है जिंदगी, कभी कभी ऐसे ही होता है। इस चिट्ठी को आने के बाद उनके फैंस बहुत दुखी थे, लेकिन आज इस खबर को सुनकर जरूर वो खुश हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।